सर मुजफ्फरनगर वाला हाईवे कहाँ से पकड़ा जाएगा? अभी चलते हैं। अरे गाइस यार, एंकर क्या कंटेंट निकाल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बहुत बार कहता हूँ कि भाई चल कहीं घूमने चलते हैं, उसमें सारा खर्चा मेरा है, पेट्रोल मेरा है, गाड़ी मेरी है, और से और खाना और रहना मेरा है। वो फ़ोन पे कहता है ठीक है चलेंगे, लेकिन जिस दिन चलने का दिन होता है भाई वो मना कर देता है। आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे। मैं समझ गया, बल्कि मुझे पता है कि वो नहीं जाएगा, फिर भी उसके सामने हवाबाजी के लिए मैं बड़ी बड़ी फेंकता हूँ, मगर चल मनाली चलते हैं, लद्दाख चलते हैं। जिस दिन भी उसने गलती से चलने का इरादा बना लिया भाई, उस दिन मेरा ऐसा मोटा खर्चा होएगा वो मुझे पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। खैर भाई, ये सब तो चलता रहेगा। अभी मैं एक लाऊंगा वाइजर, क्योंकि जो मेरे हेलमेट में वाइजर लग रहा है वो वाइट कलर का है। मैं आपको दिखा दूँ किधर रखा है वो भाई, किधर 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 ये रखा है। देखो आजकल भाई धूप बहुत ज्यादा होने लगी, और धूप की वजह से ही मैं वो वाइजर ला रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो सूरज लगता है ना आंखों में, वो भाई आंखें फिर खुलती भी नहीं, सामने क्या आ रहा है क्या नहीं दिखता भी नहीं। अगर वो वाइजर होगा मेरे पास तो सही रहेगा। फिर मैं आपको सीधा वाइजर ही दिखाऊंगा, क्योंकि जिस दुकान से मैं वाइजर ला रहा हूँ वो अंकल बहुत बड़ा खड़ूस है भाई, मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करता भाई। वाइजर तो मिला नहीं, अपना रसमलाई खाने आ गए। ये है, ये देखो, आगे भाई आप भाई, बहुत सारी वैरायटी है स्वीट्स में, तो समझ में नहीं आ रहा किसके नाम क्या क्या है। इधर भी ये तो नए आइटम देख रहा हूँ मैं, क्या है ये हरा हरा। लो जी मम्मी जी, उठ जाओ। आपके लिए मैं एक समोसा लाया, एक गुजिया लाया। पर चल, मैं तो आपके लिए लाया। तो हाँ जी गाइस, ऑटो व्लॉग पे भी बहुत टाइम हो गया था, गैप बीच में गैप पड़ गया था, लगभग मेरे ख्याल से एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना मैंने मोटो व्लॉग करी नहीं। तो सोचा आज क्यों ना मोटो व्लॉग करा जाए। ड्रीम कार जा रही है गाइस, लेजेंडर। अभी गाइस एक पुलिस वाले से रास्ता पूछते हैं, जाना कहीं नहीं मेरे को, लेकिन रास्ता पूछते हैं, किसी से पूछ लेते हैं। दिल्ली जाना है, दिल्ली, दिल्ली जाना है। हाँ हाँ, सिविल कोर्ट। ओके थैंक यू सर। नहीं नहीं, हाँ मुजफ्फरनगर वाले रोड पे वो। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू सर। ले भाई दिल्ली का है, दिल्ली करना क्या है जाके भाई, है कंटेंट निकालना था वो निकल गया भाई साहब। अभी आगे और पूछूंगा, अगर जी मुजफ्फरनगर जाना कहाँ से जाया जाएगा? ये निंजा टेक्निक है कंटेंट निकालने की। मुजफ्फरनगर जाना, मुजफ्फरनगर यूटर्न जी जी, ठीक है थैंक यू सर। चलो भाई, आजा, क्यों घबरा रहा। लो जी दिल्ली भी घूम आए, मुजफ्फरनगर भी घूम आए, अब जाएंगे शामली। रिएक्शन दिखा दिखा के तो मैं भी बोर हो गया गाइस तुम लोगों को। अभी कुछ नया ट्राई करते हैं, है ना, ये ट्रैफिक पुलिस वालों से ही पूछते हैं रास्ते। शामली जाना है, शामली कहाँ से जाया जाएगा? शामली, शामली हाँ, अरे उधर को जाओगे शामली, शामली रोड जाओ, दिल्ली रोड, दिल्ली रोड से ओके, ठीक है थैंक यू सर। चलो भाई फिर से घुमाओ, ये लो जी अभी चलते हैं। अरे गाइस यार, एंकर क्या कंटेंट निकाल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तीन चक्कर मेरे इसी पुल पे लग गए। अभी एक चौक हो रहा है, वो जो सिविल कोर्ट के आगे चौक होता है ना भाई साहब, कोर्ट के सामने पूछेंगे अब जाके। अभी पूछे क्या, अब तो सिटी के नाम भी नहीं याद आ रहे अब एकदम से। मुजफ्फरनगर हाईवे, हाँ मुजफ्फरनगर हाईवे कहाँ से पकड़ा जाए ये पूछना पड़ेगा इससे। है क्या कोई भाई? ये सिविल कोर्ट है यहाँ पे, और सिविल कोर्ट के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, लेकिन हम यहीं पे पूछेंगे कि
मुजफ्फरनगर वाला हाईवे कहाँ से पकड़ेंगे सर? मुजफ्फरनगर वाला हाईवे कहाँ से पकड़ा जाएगा? मुजफ्फरनगर वाला हाईवे, हाईवे जाना है। हाँ जी जी जी, चढ़ गए नीचे से नागल पहुँच जाओ। नागल जी, थैंक यू सर। 15 किलोमीटर ठीक है सर। लो जी, हाईवे भी पकड़ लिया, अब मुजफ्फरनगर पहुँच जाएंगे। भाई देख लो गाइस, क्या क्या करना पड़ रहा है कंटेंट के लिए। एक लाइक तो बनता ही है भाई, और जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खुश हो जाते हैं भाई अपने भाई लोग कैमरा देख के। इसी से पूछे क्या, पहले देखते हैं कौन फ्री है। फ्री वाले से पूछेंगे, जो ड्यूटी अपने कर रहा है ना, जो मतलब बिजी है। ड्यूटी तो अभी सारे ही कर रहे हैं, पर जो ये जो ये खड़े ना, इससे पूछते हैं। और इसके लिए मुझे पूरी घुमानी पड़ेगी उधर से। चल भाई, कहाँ गया देहरादून वाला? हो रहा वो खड़ा है। सर देहरादून वाला रास्ता कौन सा जा रहा है? देहरादून जी, ठीक है सर। भाई ये तो कंफ्यूज था रास्ते में भी, इसको नहीं पता रास्ता कौन सा। ये मेरे को देहरादून के जगह दिल्ली ना भेज देता भाई। इसी के साथ ही ये जितने भी हाईवे थे इनको यहीं रोकते हैं अभी के लिए। अरे भाई ये देखो, और क्या हाल है भाई? ठीक है। हेलो वंदा। हाँ वंदा, आप भी आओगे? कल डलेगा व्लॉग 12 बजे। हाँ कल दो क्या भाई, गिर मत जाना और तुम। ठीक है गाइस, आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।